रिसीव्ड हुए हैं, इंजर्ड वो 26 हुए हैं और दो की डेथ हुई है। और अभी मेरी डॉक्टर से भी बात हुई है, वो मैंने खुद भी चेक किया, उनको मिला हूँ मैं तमाम से, तो मोस्टली लोअर लिम्स के ऊपर जो शार्पनेल वुंड्स हैं वो लगे हैं। अदिति साहब आप कहिएगा कि वो पान मंडी ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है, तो क्या मोटरसाइकिल पे नस्ट की गई थी टाइम डिवाइस? ये कहना अभी कबल वक्त होगा, ये हमारी टेक्निकल टीम सर्टेन कर रही है कि मोटरसाइकिल में था या कि वो। अदिति साहब आप समझते हैं कि इस वाक्य में बरूनी हाथ मुलवस हो सकता है? देखें अभी ये कहना तो बहुत अर्ली है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका हुआ है, तमाम जख्मी और जो लोग जहाँ बहक हुए हैं वो हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं, तमाम हेल्थ की टीम्स एक्टिव हैं और अभी प्राइमरीली आप ये देखें कि वो एरिया कवर्ड है हमारे सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमराज से। बहुत जल्द पुलिस और फ्रेंसिक एजेंसी इस नतीजे पर पहुँच जाएगी कि इसके पीछे कौन हाथ था और इसके पीछे कौन मुलव्वस है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्राइमरीली जो हमारा तमाम एमरजेंसी सर्विसेज का रिस्पांस था वो मुकम्मल हो चुका हुआ है और हम तमाम जख्मी जो हैं उनके लवाहकीन और उनको ये बात बताना चाहते हैं कि उनके तमाम लोग बड़े सेफ हैंड्स में हैं और हम उन्हें बेस्ट मेडिकल। डीएजी साहब ये बताइएगा कि अभी ये जो धमाका हुआ है, जो वाकया हुआ है, कैसी डिवाइस का इस्तेमाल या कैसे मवाद का इस्तेमाल जो है वो इसके अंदर अभी तक सामने आ सके? फोरेंसिक टीम जो है उन्होंने अभी तक इब्तदाई तफ्तीश की, क्या कह रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो टेक्निकल टीम्स हैं सीटीटी की भी और पीएफएसए की भी टीम भी है, बीडीयू भी है, वो अभी हम सर्टेन कर रहे हैं। इब्तदाई मालूमात जैसे आपको मैंने बताया है कि ऐसे लग रहा है कि वो प्लांटेड डिवाइस है, बाकी जो भी टेक्निकल एविडेंस होगा गैदर होगा वो वक्तन फवक्तन हम आपके साथ शेयर करेंगे। दो अफराद जो है वो जी दो अफराद की डेथ हुई है और 24 इंजर्ड है। उम्र भी बता दें उनकी अगर आपको। जी एक है टीनेज है और दूसरा जो है ना 20s में। टीनेज के बारे में बताया जा रहा है वो कराची से बचा यहाँ पर आया, क्या ये जी वो सर्टेन कर रहे हैं अभी। ठीक, अच्छा डीसी साहब ये बताइएगा कि बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है अभी तक उसने क्या शवाहद इकट्ठे किए हैं और इस हवाले से मजीद बताइएगा कि सर्च एंड स्वीपिंग सिस्टम में जो दिल्ली हुकूमत है वो लाहौर पुलिस की क्या मदद कर रही है? बम डिस्पोजल स्क्वाड तो अगर टाइम से हमें इतला मिले कि किसी बैग में या किसी चीज़ में कोई मशकूक चीज़ है तो बड़ा अर्ली रिस्पॉन्स में हेल्पफुल होता है, मगर जब कोई धमाका या इंसिडेंट हो जाता है तो फिर उसकी पेरिफ्री क्लियर की जाती है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड उसके इलाके में जितनी इमरजेंसी फोर्स और जितने लोग आते हैं उनको क्लियर करता है कि कोई दूसरा इस तरह का इंसिडेंट ना हो जाए, क्योंकि लोग उस जगह पे इकट्ठे होते हैं। और अभी ये तहकीकात काफ़ी मेच्योर लेवल पे चली गई हैं और नेचर भी बहुत जल्दी आपको इंसिडेंट की बता दी जाएगी। के हवाले से अब इसके बाद क्या इंतजाम आपके होंगे? क्या सर्च स्वीपिंग सिस्टम तेज होगा? जी हमारा जो सर्च स्वीप सिस्टम है वो रेगुलरली काम कर रहा होता है, हमारे जो एंट्री एग्जिट नाका पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी हम चेकिंग करते हैं और पहले भी कर रहे थे, अभी इसको मजीद सख्ती। सिक्योरिटी अलर्ट क्या मौजूद था, क्या एजेंसी ने आपको बताया था कि ये इस तरह का कोई वाकया हो सकता है? ऐसा कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी अलर्ट नहीं था। नहीं ऐसा कोई स्पेसिफिक थ्रेट कोई नहीं था, जो जनरलाइज थ्रेट्स होते हैं वो आते रहते हैं, हम उन पर साथ साथ काम कर रहे होते हैं और वो हमारी टीमें उनके साथ साथ काम कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी जो मरीज हैं उनको क्या इलाज मुआवजा दिया जा रहा है, किस तरह के मरीज ज्यादा हैं इस वक्त? जो है ना हमारे जो मरीज क्रिटिकल जो हैं वो 4 हैं इस वक्त जो ऑपरेशन थिएटर में है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक है, बाकी जो 2 डेथ हैं उसमें एक बच्चा है, एक फीमेल है, एक रमजान है बंदा। तीन जो आप बता रहे हैं? दो दो फीमेल? नहीं नहीं फीमेल नहीं है। और फीमेल साहब आप ये बताइएगा इस वक्त जो जख्मी यहाँ मौजूद हैं वो किस नौत के जख्मी है? जितने में आया कि ज्यादातर छोटे सर पे आई हैं और टांगों में आई? नहीं नहीं सर पे बहुत कम इंजरीज आई हैं, टांगों पे हैं, पेट के ऊपर है और आंखों में भी कुछ आई है। तो हमारे न्यूरो सर्जन्स की टीम भी माशाल्लाह यहाँ मौजूद है, अल्लाह खैर रखे। सर्जन्स प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल जो हमारे लेजेंडरी प्रोफेसर और वीसी भी हैं, अहमद उजैर प्रोफेसर असर नकी इकबाल साहब जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, एवरीबडीज है। जो हमारे पास कुल पेशेंट्स आए हैं वो 28 के राउंड अबाउट हैं, जिसमें से 4 बहुत सीरियस हैं जिनका प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया गया ऑपरेशन टेबल थिएटर में, और 2-3 ऐसे जिनको ऑर्थोपेडिक्स की प्रॉब्लम है वो ऑर्थोपेडिक। सीरियस हमारे 4 से 6 पेशेंट को हम कह सकते हैं कि वो सीरियस है, बाकी मॉडरेट। आपने कई धमाके देखे हैं, कई दफा धमाकों के बाद आपके पास यहाँ पेशेंट आते हैं, तो यहाँ पर जो पेशेंट आपके पास मौजूद हैं वो किस नोयत के जख्मी है? क्योंकि अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो वो झुलसे हुए होते हैं, अब जो जख्मी है वो किस नोयत? देखिए जी इसमें बॉल बेयरिंग का अभी कुछ कहना कबल वक्त है, प्रोफेसर ने असेस कर लिया,
कर रहे हैं और बर्न का आपका बिल्कुल बड़ा वेल बर्न बहुत कम है और मेडिसिन अल्लाह का शुक्र है इस मामले में हमारा हर चीज मौजूद है एवरीबॉडी अल्लाह का शुक्र हर चीज हमारा बर्न वन ऑफ द बेस्ट है बहुत शुक्रिया।